बीजेपी के लिए वोट देश में जुटता है तो मोदी के नाम पर, देश की जनता जुटती है तो मोदी के नाम पर, विपक्ष भी जुटता है तो मोदी के नाम पर। और मोदी 2024 के चुनावों से पहले कॉन्फिडेंस ये दिखा रहे हैं कि हैट्रिक का दावा पहले कर चुके थे, अब बीजेपी के लिए 370 और पूरे एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य दे चुके हैं। पर उनके कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? हर शक्ति जानती है, आएगा तो आएगा। तो ये प्रतिद्वंदियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त का ऐलान है या प्रधानमंत्री का वो आत्मविश्वास जो उन्होंने अपने दो कार्यकाल से पाया है? राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सत्ता की हैट्रिक पर यकीन विपक्षी दलों को सीधी चुनौती है या प्रधानमंत्री मोदी का वो विश्वास जो उन्होंने अपने दो कार्यकाल की नीतियों से पाया? पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। प्रधानमंत्री मोदी अगर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संवाद के दौरान तीसरे कार्यकाल में हजार वर्षों के भारत के भविष्य की नींव रखने का वादा कर रहे हैं तो ये राजनीतिक दांव है या उन रणनीतियों पर भरोसा जो उन्होंने एक दशक की राजनीति में तैयार की? धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास अगर अब की बार 400 पार का है तो उसका असर राजनीति में हर पल हर रोज दिख रहा है। विपक्षी दलों के कबीले ध्वस्त हो रहे हैं और बीजेपी का किला मजबूत होता जा रहा है। महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी, बिहार से नीतीश कुमार
एनडीए से जुड़ चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला को एनडीए में शामिल होने से इनकार नहीं, और अब मध्य प्रदेश से कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ दोनों के बीजेपी में आने की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। मित्रों, धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित शब्द समय आया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में और समय भी उनका साथ दे रहा है। कतर से फांसी की सजा पाए भारतीय नौसेना के अफसर लौट आए। पीएम मोदी अबू धाबी में पश्चिम एशिया का हिंदू मंदिर उद्घाटन कर चुके। कतर पहुंचे तो कूटनीति के नए संबंध बनाया है। भारत लौटे हैं तो राजनीति धर्म में विपक्ष को ललकार रहे। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी। लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदान से जनता को लेना है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं और अनुमानों की एक भाषा होती है जिसे सियासतदान पढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल चुनावों के चंद दिन बचे हैं और राजनीतिक बयानों में अपना अपना आत्मविश्वास लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच में। मोदी सरकार 400 पार के लिए इतनी आश्वस्त है कि अंतरिम बजट में जनता को लुभाने की कोशिश वाले चुनावी बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा। द गोल ऑफ विकसित भारत विद गुड इंटेंशंस, ट्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इन द कमिंग इयर्स एंड डिकेड्स। प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं रिकॉर्ड जीत के लिए इतने कि मौजूदा लोकसभा के अंतिम भाषण में आने वाली अगली लोकसभा की तस्वीर बना गए। देख रहा हूं कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है, हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के। इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है, और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हरेक को होगा। और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे, ये मेरा। आत्मविश्वास चुनावी रणनीति में मदद करता है। आत्मविश्वास प्रतिद्वंदियों को अनदेखी चुनौतियों से आशंकित करता है। आत्मविश्वास जनता के दरबार में वादों और इरादों की परिभाषा और बेहतर रखने में मदद करता है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। ये वाकई आत्मविश्वास है पार्टी का या विपक्ष पर बढ़त बनाने की एक कोशिश? वो पुरोहित नहीं है और वो जाके प्राण प्रतिष्ठा किया, ज्योतिष ने ये प्रेडिक्शन भी देने लगे, मेरे ख्याल में ये तो नहीं होने वाला है। लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। सच्चाई यही है कि बीजेपी लौट के नहीं आएगी, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया सरकार बनाएगी। इसका मतलब रिगिंग का कम्प्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं। अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे, एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है।
कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि जनता कब क्या करती है कोई नहीं जानता। तो ये चुनाव एक ऐसा चीज है कि कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता कि कब जनता किसको जनादेश देगी। क्या बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार लौटने के दावे के पीछे कमजोर विपक्ष है? क्या बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार लौटने के दावे के पीछे मजबूत एनडीए परिवार है? क्या बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार लौटने के दावे के पीछे मजबूत रणनीति है? आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी और ये शुभंकर शुरुआत हुई है उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। आंकड़े कितने आएंगे बीजेपी के पक्ष में वो अलग बात है, लेकिन दो तस्वीरें साफ हैं। एक तरफ संगठित सेना है एनडीए की, मजबूत चेहरा है प्रधानमंत्री का, स्पष्ट विजन है। दूसरी तरफ बिखरा विपक्ष है, आपस में खींचतान है और कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं जनता के सामने रखने के लिए। चुनाव होने को है, बीजेपी के आत्मविश्वास की परीक्षा की घड़ियां भी करीब हैं। देश की जनता क्या मत देगी यही तय करेगा कि अब की बार कितनी सीटों के पार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे करीब आई, विपक्ष ने दो बातों पर जोर दिया। पहला ये कि ताला खुलवाने वाली पार्टी तो कांग्रेस थी, और दूसरा ये कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि न्यायालय के कारण ये दिन आया है। पर प्रधानमंत्री इन सारे आरोपों से अलग यजमान की भूमिका में अच्छी तरीके से उतरे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा से पहले उन्होंने एक एक पूजा की, हर नियम का पालन किया, कथा सुनी, अलग अलग मंदिरों में गए, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश बस देखता ही रह गया। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति दे। पूरे देश को दंग कर देने वाली ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में एक दिन में आकर नहीं गिर गए हैं। इसके लिए उन्होंने राम भक्तों का यह भरोसा हासिल किया है कि वही देश का भाग्य बदल सकते हैं। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति दे। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। नासिक के कालाराम मंदिर से आंध्र के वीरभद्र मंदिर तक, धनुषकोडी के श्री कोथम ड्रामा स्वामी मंदिर से रामनाथ स्वामी मंदिर तक, मंदिर उद्घाटन से पहले भगवान श्री राम के नाम की जो हवा चली उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की राजनीति में आसमान सा ऊंचा बना दिया। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास धर्म के रास्तों पर चलकर राजनीतिक समीकरणों को साधने की ऐसी कला हो। हमारे रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। दक्षिण के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर पीएम मोदी एक यजमान की भूमिका में
श्री राम की भक्ति और राम नाम का स्मरण करते रहे। ये सवाल तो खत्म हो ही चुका कि नरेंद्र मोदी की सियासत की ऊंचाई थी। लोकतंत्र में मतलब जिसके साथ जनता होती है उनको सत्ता मिलती है, तो उसी तरह मुझे लगता है कि जो 18वीं लोकसभा है इस लोकसभा में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आएगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। मुझे लगता नहीं कि ये कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने श्रीराम के दिव्य और भव्य मंदिर को पूरे देश में किसी जादू की तरह स्थापित कर दिया है। दुनिया भर में रह रहे करोड़ों राम भक्त मंदिर के इंतजार को ही अपना नसीब मान चुके थे, लेकिन 22 जनवरी की तस्वीरों ने सिद्ध कर दिया कि जनता मोदी पर उठे हर सवाल को खारिज कर चुकी है, और इतना ही नहीं उन्हें हर सवाल का जवाब भी मान चुकी है। हम लोग सब महल में रहते हैं, हमारा भगवान झोपड़ी में रहते हैं, उसके आज महल मिल गए, हम लोग आज खुशी के लिए हमको आंसू आ रहे हैं, खुशी के ममता के आंसू आ रहे हैं। 20 साल से है यहाँ मंदिर, किसी ने नहीं बनवाया, उनकी कृपा है सो उन्हें बनवा दो, भगवान राम लला को कर दो, इसकी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता जितनी उन्ने कर दे मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सागर से सरयू तक की यात्रा की, जिसके लिए वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु गए। ये एक वो रूट है जहां लोकसभा की 212 सीटें आती हैं, यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और तमिलनाडु की 39। 2019 में इन 212 में से 95 सीटें एनडीए के खाते में आई, जबकि 75 अकेले बीजेपी के। प्रधानमंत्री मोदी विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा पर थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं का असर जनता के मन पर भी पड़ता है। मेरे भीतर एक विश्वास जगा, जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। ये यूं ही नहीं है कि प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि भारत की सियासत में आज मोदी के टक्कर में कोई दूसरा नाम नहीं है। भारत माता की। मैनिफेस्टो पर कायम बीजेपी के लिए तीन मुद्दे 1980 में उसकी स्थापना और कुछ उससे पहले से भी यानी जनसंघ के जमाने से दिल के करीब रहे। ये मुद्दे हमेशा से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहे। इन मुद्दों के आधार पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़े और जीते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना हो, राम मंदिर निर्माण हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी एक झलक उत्तराखंड से लोगों को नजर आई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिन तीन मुद्दों का जिक्र संसद में कर रहे थे, उनमें से दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हो गए। पहला, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना। तीसरा, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे राम आ गए, सदियों का अभूतपूर्व धैर्य,
अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड एक के, जिसे नामक निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। अब बारी तीसरे मुद्दे की, यानी शादी ब्याह के मामलों में समान नागरिक कानून की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हो गया। ये कानून सबकी समानता का कानून है। ये कानून मातृशक्ति के उत्थान का, उनके सशक्तिकरण का, आत्मनिर्भरता का, उनका आत्म बल से वो रह पाएं, स्वाभिमान के साथ जी पाएं, किसी प्रकार की कुरूतियाँ जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा करती है, उससे उबारने का काम ये विधेयक करेगा, ये एक्ट करेगा। हमारा तो ये रहेगा कि हम जहाँ राज्य में लागू कर रहे हैं, अन्य राज्य भी इसको लागू करें। अच्छा कानून। जाहिर है वो चुनावी वादे जो कई साल से धूल खा रहे थे, पीएम मोदी उनको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो इसको बीजेपी 2024 के चुनावों में वोटों में तब्दील होने वाले एक यकीन के तौर पर भी देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। वो ये जानते हैं कि जनता उनके नाम पर वोट देती है, लेकिन जनता से कनेक्ट करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो, या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूँ। मोदी मैजिक कहें या बीजेपी थिंक टैंक की रणनीति, चुनावी विश्लेषक भी अब 2024 को बीजेपी की पहुंच से दूर नहीं देखते। 2019 के चुनावों से पहले वो मोदी नाम ही था जिसका आह्वान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि सारे लोग मोदी विरोध के लिए एक साथ आ जाएं, ताकि मोदी दोबारा देश में प्रधानमंत्री के रूप में न आए। पर 2019 में पूरा मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी को और वो प्रधानमंत्री बने। 2024 से पहले एक बार फिर यही कोशिशें हुई, नीतीश कुमार ने इस बार शुरुआत की। हालांकि ये बात अलग है कि 2024 के आम चुनाव आते आते नीतीश कुमार खुद एनडीए में आ गए और पूरा विपक्ष ही मोदी विरोध के लिए जो साथ आता दिखता है वो बिखरा बिखरा ही नजर आता है। मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी। 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके हैं। 30 साल हम नहीं लगने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश
दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। एक नाम जो जीत की गारंटी बन गया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। 2024 के आने वाले चुनाव में जिस तरह नरेंद्र मोदी के नाम और व्यक्तित्व के आगे विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, वो चुनावी नतीजों की तरफ भी इशारा कर रहा है। जुलाई 2023 में बीजेपी के मजबूत किले को ढहाने के लिए विपक्ष की सेना एकजुट हुई थी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि किला ढहाना तो दूर, सेना में ही बगावत हो गई। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आ गए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एकला चलो रे की रणनीति अपना रही हैं। संदेश खाली मामले पर कांग्रेस खुलकर ममता के खिलाफ आ गई। ये बांग्ला की हो जाने आगामी दिन जब प्राइमरी स्कूल छात्र छात्री पढ़ाशुना करबे तक छात्र छात्री के होता क्वेश्चन लेके जिज्ञेस करा हबे যে কুকুর কয় প্রকার ও কি, তো ছাত্রছাত্রী বলবে একটা দেশি একটা বিদেশি আর একটা তৃণমূলের পুলিশ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सबका कारण एक ही है, मोदी मैजिक के आगे हौसले पस्त है। तुम 40 सीट पावे कि ना हम जानी ना, सारा भारत 300 सीट लड़े, आज तुम्हारे एत अहंकार। नीतीश कुमार को आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ से ज्यादा मोदी का साथ भाया, तो सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर चले आए एनडीए में। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी ये प्रदर्शित करने में कि विपक्षी खेमा राजनीतिक दलों का एक बिखरा हुआ समूह है, ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि सिर्फ मोदी ही अकेले देश में एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। नरेंद्र मोदी की मैजिक के सामने कांग्रेस कहां है, ये बड़ा सवाल है। सियासी गलियारे में खबरें गर्म है कि कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से एक कमलनाथ खुद बीजेपी में आ सकते हैं। कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ और कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये अपने आप में कांग्रेस की हालत पर सवालिया निशान लगाता है।
कि जो कमलनाथ इंदिरा गांधी के बेटे की तरह माने जाते थे वो आज खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। आप लोग इतना एक्साइटेड क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा जी। आप इनकार नहीं कर रहे सर? आप इनकार नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? जो खबरें हैं निराधार हैं, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आखिर वो क्या बात है जो कांग्रेस के दिग्गजों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रही है? ईडी केजरीवाल पर समन के समन जारी कर रही है और वो ईडी के समन को ठुकरा रही है। आम आदमी पार्टी के करीब करीब सभी प्रमुख नेता जेल में हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल है, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। बीजेपी ये साबित करने में कामयाब हुई है कि केंद्र में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की स्थिति में सिर्फ वो ही है जिसकी धुरी में है पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ज्ञान यानी कि ग्रामीण युवा अन्नदाता और नारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस उनकी योजनाओं के निशाने पर ये चार वर्ग खास तौर पर रहते हैं। बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस के पीछे ये चार फैक्टर मजबूती से हैं। ज्ञान जिसके हर अक्षर पर पीएम मोदी का ध्यान है, ज्ञान जो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के काम में भी नजर आता है, ज्ञान एक छोटा सा शब्द लेकिन जिसके मायने बड़े हैं। जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए यानी अन्नदाता या किसान, एन यानी नारी। और ज्ञान के इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर बनता है बीजेपी का शक्तिशाली लाभार्थी वोट बैंक। माना जाता है कि लाभार्थी वर्ग बीजेपी का वो वोट बैंक है जो जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर बीजेपी के लिए वोट करता है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उसको मिलता है। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए, देश के गांव गांव ने, देश के कोटि कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी। बीजेपी दावा करती है कि उसने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर आधारित ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे इन चार वर्गों का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। बीजेपी के दावे के अनुसार ये 25 करोड़ लाभार्थी अब सीधे बीजेपी के वोटर बन गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी के ज्ञान के आधार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट का पिटारा खोल दिया। पीएम मोदी के ज्ञान के पहले अक्षर जी यानी गरीबों को ध्यान में रखते हुए
बजट में पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाने का वादा किया। इसके लिए बजट में खर्च को 66% बढ़ाकर 7,900 करोड़ कर दिया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ज्ञान के दूसरे अक्षर वाई यानी युवाओं के लिए बजट में 1,00,000 करोड़ का फंड है। युवा 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन ले सकेंगे। ज्ञान के तीसरे अक्षर ए यानी अन्नदाता या किसानों से जुड़ी पुरानी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना चलती रहेंगी। पीएम मोदी के ज्ञान के चौथे अक्षर एन यानी नारी के लिए लखपति दीदी योजना को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। स्वास्थ्य कवर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण होगा। When our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण दिया तो ये इस बात की तस्दीक थी कि जल्दी ही वो पूरा बजट पेश करेंगे। सबका साथ सबका विकास as its mantra। ये मोदी के नाम पर भरोसा नहीं तो और क्या है कि जनता फिर एक बार से पीएम मोदी के नाम पर मुहर लगाने के लिए तैयार है। तमाम मुद्दों पर कॉन्फिडेंस, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में ये बात जरूर होगी कि वहां पर उनका विस्तार अभी बाकी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्यों पर भी खासा जोर दे रहे हैं। Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद, शोहरत की तमाम बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक कसक जरूर है, और वो कसक ये है कि दक्षिण का अविश्वास खत्म कर कैसे उनका दिल जीता जाए। पीएम मोदी चाहते हैं कि दक्षिण के वोटर भी उन पर भरोसा करें, बीजेपी पर भरोसा करें, उनकी सरकार पर भरोसा करें। पीएम मोदी इस लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। बीजेपी को दक्षिण में कमजोर पार्टी की छवि से मुक्ति चाहिए। क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म होगा तो बीजेपी का विस्तार होगा। दक्षिण भारत में वोट मिल गया तो मोदी सर्वमान्य नेता हो जाएंगे। इसीलिए ये सारी कोशिश, जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में रोड शो, दक्षिण के कलाकारों के साथ मुलाकात, दक्षिण भारत के त्योहारों में शामिल होना, दक्षिण भारत में छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ करना, ये न तो अकारण है न ही अचानक। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूँ राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में। मोदी समझ रहे हैं कि दक्षिण भारतीय लोगों का विश्वास हासिल किए बगैर उनकी लोकप्रियता हमेशा सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के साथ जोड़कर देखी जाएगी। लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार का दौरा करके प्रधानमंत्री ने बदली हुई सियासत की लकीर खींच डाली है, और अब राजनीति की उस रीत को बदलना ही उनका ध्येय है। यहीं से प्रधानमंत्री अपनी नई राजनीति को रचना चाहते हैं। ये न्यू मोदी के न्यू इंडिया का नया पाठ है। अपने दक्षिण दौरों के जरिए पीएम मोदी ने एक नए इतिहास की रचना का संकल्प सामने रखा है। मुझे खुशी है कि त्रिची एयरपोर्ट लोकल कला संस्कृति से, तमिल परंपरा से पूरी दुनिया को परिचित कराएगा। रामा,
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी 5 दिनों तक दक्षिण के 3 राज्यों में पूजा अर्चना करते रहे। दिसंबर जनवरी में पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु में 2 रैलियां और रोड शो करते हैं। केरल और तमिलनाडु में पीएम मोदी 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी स्थानीय वेशभूषा में स्थानीय त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। दक्षिण के कई कलाकारों के साथ साथ पीएम मोदी ने छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात की। बदली हुई सियासत के बदलते हुए फसानों में पीएम मोदी की बदलती हुई उम्मीदें भी साफ नजर आती हैं। दक्षिण में हार के बावजूद पीएम मोदी को सरकार बनाने में न तो 2014 में कोई तकलीफ हुई और न ही 2019 में, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि उत्तर भारत में सीटें अगर इस बार कम हुई तो उसकी भरपाई दक्षिण से हो सकती थी। इसलिए दक्षिण के दौरे के दौरान जब लोगों से मिलते हैं तो ये संदेश साफ नजर आता है कि दिल के साथ वोट का भी द्वार खोलिए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। चुनाव में 24 में पूरा सफाया होना तय है।